भारतीय जनता युवा मोर्चा क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषार्थ सिंह का जनपद में प्रथम आगमन पर बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र तथा माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया, जिसके संबंध में मोर्चा के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषार्थ सिंह ने बताया कि 2022 में युवाओं के बल पर प्रदेश में भाजपा 350 सीटें जीतेंगी तथा उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद, क्षेत्रवाद तथा परिवारवाद की भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की भावना से कार्य करती है, जहां पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय कर सकता है। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रितेश सिंह, मंत्री मुकेश सिंह, महानगर अध्यक्ष पवन यादव, विवेकानंद सिंह, विद्यामणि सिंह, अखिल देव, सुमित राय, दिलीप मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए युवा मोर्चा के नव नियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषार्थ सिंह ने कहा, समस्त सम्मानित भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, पुरुषार्थ सिंह पवन यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरुषार्थ सिंह पवन यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। का स्वागत अभिनंदन करें। मैं आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी व दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि मुझे भगवान गुरु गोरक्षनाथ की धरती का युवाओं का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। मैं इसके लिए हमारे यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये बड़ी जिम्मेदारी है और चुनावी वर्ष है, स्वयं महाराज जी का क्षेत्र है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से संपर्क कर सकूँ, पूज्य महाराज जी की जन कल्याणकारी योजनाएं युवाओं तक पहुंचा सकूं। देखिए 2022 में तो ये तय है कि पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। बस विषय ये है कि 300 प्लस रहेगा कि 350 प्लस रहेगा। हम लोग 350 प्लस बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए पिछली सरकारों ने युवाओं को केवल जातिवाद में बांट कर और अपराध के
दलदल में ढकेलने का प्रयास किया, लेकिन पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार का अवसर मिला, स्वयं व्यापार चलाने का अवसर मिला, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से नए नए प्रकार के अवसर मिले।